हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अवधेश और आज हम आपको लेके चलेंगे रामनगर। रामनगर आपका ये वाराणसी के पास में पड़ता है यूपी में, और ये बहुत ही खूबसूरत और दर्शनार्थी स्थल है। आप इसको विजिट करिए और आपके जहन में हमेशा बना रहेगा। एक्चुअली रामनगर ये काशी नरेश द्वारा बसाए नगर है, वहाँ पे उनका रेजिडेंस है, अभी भी उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है। तो हम लोग रामनगर चलेंगे, और पिछली वीडियो में मैंने रामनगर का किला आपको घुमाया था, लेकिन इस वीडियो में हम आपको घुमाएंगे दुर्गा जी का मंदिर और साथ में पुष्पकर्णी तालाब, और इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको लेके चलते हैं। हम आपको सीधे फ्रेंड लेके चलते हैं पुष्कर्णी तालाब। ये पुष्कर्णी तालाब है, चारों तरफ से पत्थरों से एक वेल मेंटेन तालाब, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विशाल है। इसकी गहराई भी काफ़ी अच्छी है और पानी भी काफ़ी स्वच्छ निर्मल है। इसके आप किनारे किनारे पे देखेंगे तो ठहरने का एक उचित व्यवस्था करा गया है। इसकी सीढ़ियाँ भी काफ़ी अच्छी हैं, ताकि आप आसानी से नीचे पानी के पास जा पाएँ। और ये एक गेट टाइप का बना है जिधर से महाराजा जी उतरते थे, अभी उसको बंद कर दिया गया है। इसका नाम पुष्करणी क्यों पड़ा वो तो मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, आप ये चारों तरफ से का एक व्यू है, आप इसको देख सकते हैं कितना अच्छा है। और ये तालाब के पास में ही कुछ झरोखा जैसा कुछ बना हुआ है, जिसपे महाराजा आते थे खड़े होके, अपना जो भी हो सुबह या शाम का समय हो उसको व्यतीत करते थे। आप इसकी बनावट भी देख सकते हैं, बहुत ही उम्दा पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया है, और काफ़ी बेहतरीन और खूबसूरत नक्काशी वगैरह भी की गई है। अभी के समय में इसको यदि बनाना हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और हम आपको इसके अंदर का भी दिखाते हैं कि कैसा ये दिखता है अंदर से। ये पिलर्स हैं, और पिलर्स के ऊपर ऊपर एक बेहतरीन कट स्टोन कट करके इसको बनाया गया है, और साथ में तालाब भी आपको यहीं से दिखेगा। ये काफ़ी समय हो गया, तो अभी जाहिर सी बात है अब थोड़ा सा ये ख़राब होना शुरू हो गया है, क्योंकि इतना ढेर सारा है कि इसको मैनेज करने में भी थोड़ी सी भी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी जितना भी है काफ़ी खूबसूरत है। पानी भी इतना स्वच्छ है और निर्मल है कि कोई भी अभी इसमें स्नान वगैरह करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। और ये गडर है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये ब्रिटेन काल का बना हुआ है, कलकत्ता से इम्पोर्ट करा गया है। इसका दिखाने का उद्देश्य ये था कि उस समय भी आदमी सारी व्यवस्थाएं बहुत ही फूंक फूंक के किया करते थे। रख रखाव के अभाव में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इसमें आपको दिखेगा, और छज्जा या बाकी मेंटेनेंस आप इसको देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन लगेगा। और ये पिलर्स के बीच में नक्काशी, आपको थोड़ी सी राजस्थान की याद आएगी, क्योंकि राजस्थान में आप तरीके इस तरह कुएँ, बावड़ी, तालाब वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन अच्छे दिखते हैं, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिख जाएंगी। एक्चुअली यहाँ पे जब मेला वगैरह लगता है तो उसमें काफ़ी भीड़ भी होता है। यहाँ पे अभी हाल ही में छठ पूजा हुआ था, तो उस समय भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। और दोस्तों, अभी हम यहाँ से आपको मंदिर का भी दर्शन करा सकते हैं, और यहाँ से वो देखिए जो सामने जो दिख रहा है वो दुर्गा जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, विशाल, बेहतरीन। तो चलिए चलते हैं, आपको एंट्री कराते हैं माता दुर्गा जी के मंदिर में, और सबसे पहले आपको देवी के दर्शन होंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, या तो ये माता सरस्वती का हो सकता है या फिर माँ गंगा की मूर्त। बनावट आप देख सकते हैं, आपका जी नहीं भरेगा इस मूर्ति को देखते हुए। एक्चुअली पहले रेलिंग नहीं बना था, बाद में इसमें रेलिंग लगा दिया गया, क्योंकि बंदर वगैरह यहाँ पे काफ़ी आते थे। कुछ लोग दर्शन करके निकल रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं, जाने वाले में मैं हूँ। एक्चुअली मंदिर का ये अभी ऑफ टाइम है, यानी मंदिर अभी बंद है, फिर भी अभी आपको मैं घुमाने आया हूँ तो अच्छे से आपको घुमा देता हूँ। हम लोग अभी मंदिर की सीढ़ियों चढ़ते हुए मंदिर पर आए हैं, और ये माता जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत, विशाल, बेहतरीन, अद्भुत, अकल्पनीय,
जितना भी शब्द आप यूज करना चाहें कम है। अभी जैसे मैंने बोला कि अभी मंदिर बंद है, फिर भी ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, माता दुर्गा के दर्शन कराता हूँ। किस्मत अच्छी रही तो हम आगे आपको माता जी का ये जो गेट है वो खुला वाला भी दिखा सकता हूँ। शेर जो कि सवारी है माता दुर्गा की, इसको भी पिंजरे में रखा गया है। एक्चुअली पिंजरे में रखने का रीज़न सेम वही है कि कोई इसको छुए ना, नुकसान ना करे, क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे कि जहाँ भी कुछ घूमने वाले स्थान होते हैं लोग जाते हैं वहाँ पे गंदगी भी कर देते हैं और स्क्रैच वगैरह करके उसको नुकसान पहुँचाते हैं। और कुछ कुछ लोग तो वहाँ पे अपना पेन पेंसिल पेंट्स वगैरह से नाम लिख देते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो नेल पॉलिश यूज कर देते हैं। मंदिर का ये पिछला हिस्सा है, आपको ये चौकोर स्तंभों पे बना हुआ ये मंदिर दिखेगा। नक्काशी इसमें हर एक इंच पे आपको दिख जाएगी। इसमें चार दरवाजे हैं, तीन दरवाजे ऑलरेडी खुले रहते हैं लेकिन चौथा ये बैक साइड का है, ये टोटली पत्थर का ही बना हुआ है, सिर्फ दिखने में लगेगा आपको दरवाज़ा है। इसमें भगवान भोलेनाथ के भी मंदिर है, वो भी विराजमान है यहाँ पे, और माता दुर्गा जी भी हैं। एक्चुअली ये पहले प्लानिंग थी कि विष्णु जी का मंदिर ये रहेगा, लेकिन किसी कारणवश विष्णु जी का मंदिर ना हो करके इसको दुर्गा जी के मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास में जानेंगे तो ये काशी नरेश द्वारा निर्मित है और प्रोहिबिटेड है, फ़ोटो खींचना मना है, दर्शन करना मना है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं। इसको इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का भी बहुत बार कोशिश करी गई है। आप मंदिर के ऊपरी हिस्सों में यदि आप देखेंगे तो आपको सीमेंट का जैसे पैच टाइप का बना हुआ आपको दिखेगा। और ये एक्चुअली मंदिर का नुकसान किसी और ने नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने ही कराया था, क्योंकि उन्होंने महाराजा से कर वगैरह का डिमांड करा था, उन्होंने कर उनको नहीं दिया, सीधे सीधे मना कर दिया, उसकी एवज में उन्होंने हमला बोला था और उसी हमले के अंतर्गत इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया था। बाद में हुआ क्या कि इस मंदिर को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत लोगों से बात करी गई लेकिन बहुत ही कम लोग मिले क्या नहीं मिले। एक व्यक्ति तैयार भी हुआ था तो उसने खुद स्वतः ही बोला था कि यदि मैं ऐसा नहीं बना पाता हूँ तो आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। पनिशमेंट का यहाँ पे आपको एक सबूत भी मैं आगे चल के दिखाऊंगा। एक्चुअली उसके उंगलियों को नुकसान पहुँचाया गया था और सीधे सीधे पत्थर पे एक हाथ बना हुआ, उस पर लिखा है छिन्न हस्ता, जिसका मतलब होता है कि हाथ को काट के अलग कर दिया गया। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि दर्शनार्थी आ रहे हैं तो हो सकता है कि मंदिर का कपाट खुले, कपाट खुलता है तो दर्शन आपके साथ साथ मैं भी कर लूँगा। इस पर देखिए बेहतरीन नक्काशी, हाथी बना हुआ है, घोड़ा बना हुआ है और साथ ही साथ इसमें अलग अलग देवी देवताओं की भी मूर्त हैं। कुछ लोगों की मान्यता है पूरी होती हैं तो इन लोगों को भी यहाँ पर छोड़ जाते हैं। और ये एंजल की तस्वीर है, एंजल देवदूत को बोलते हैं जो सारी पेशेस मेरी हमारी और सबकी पूरी करते हैं। हर मंदिर पे आपको एक दरबान टाइप का स्टैचू मिल जाएगा और इस पर तार से घिरा गया है ताकि बंदर वगैरह नुकसान ना पहुंचा पाए। शेर है, हाथी है, शेर को बड़ा दिखाया गया हाथी की अपेक्षा, जबकि होता अमूमन उल्टा ही है। ये ग्रीलिंग्स, ये उस समय की ग्रीलिंग्स हैं राजा महाराजा के समय की, और आज भी लग रहा है कि इसका एज काफ़ी अच्छा है। पंडित जी शायद आ गए हैं तो हम आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। मोबाइल ले जाना मना है तो थोड़ा सा अपने दर्शन करा। ये मंदिर के बैक साइड है पिछला हिस्सा, और जिस मंदिर के पीछे भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर भी है। सारी चीज़ें एंशियंट हैं, काफ़ी पुरानी, और ये जिसकी मैं बात कर रहा था। और अब हम लोग का वापस चलने का समय हो गया तो स्टार्टिंग जहाँ से हमने करी थी वहीं पे आ गए हैं और हम लोग अभी चलते हैं गेट के बाहर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।